नमस्कार, सत श्री अकाल, खंभागढ़ी, राम राम साहब, सभी का वणक्कम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर। बात जब भी डिफेंस की, सिक्योरिटी की होती है तो मुझे सर की वक्तव्य लेना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज द वे ही स्पीक्स इज रियली ऑसम। और आज का मुद्दा है जो थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा सा ट्रबलिंग है। हमारी सेवन स्टेट्स, जिनको हम सेवन सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और थमने का नाम नहीं रही है, और इतना बढ़ गई कि अमित शाह को खुद जाना पड़ा, होम मिनिस्टर को। पर हमें लगा जब वो जाएंगे तो मुद्दा निपट जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगे, बट टू द डिसअपॉइंटमेंट ऐसा हुआ नहीं। एंड द थिंग्स आर नॉट का आई मीन थिंग्स आर रियली इन जिसको बोलेंगे प्रॉब्लमैटिक, थिंग्स आर प्रॉब्लमैटिक, ट्रबलिंग सिचुएशन है। सर, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? जी सर, देखिए, पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में मैं टिप्पणी करूंगा। मणिपुर हिंदुस्तान के साथ मर्ज किया 1949 में। जो बेसिक जो ऐसे तो 39 एथनिक कम्युनिटीज हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एथनिक कम्युनिटीज हैं बेसिकली चार हैं। हिंदूज 41.39%, क्रिश्चियंस 41.29%, इस्लाम और एक रिलीजियस ट्रेडिशन से के आधार पे एक एक समूह है, उसको बोलते हैं साना माही। तो बेसिकली चार: हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, साना माही। अब समस्या कहाँ से शुरू होती है? समस्या शुरू होती है कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी गलती की जो समस्या की बीज उनके द्वारा रोपी गई। क्या गलती की? ये काबो वैली है मणिपुर में, जो बहुत ही फर्टिलाइल फर्टिलाइल फर्टाइल लैंड है, और उसको मतलब मिटिस जो है, जो कम्युनिटी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली था, वो फर्टाइल लैंड में रहते हैं, और एक बहुत फर्टाइल लैंड था। नेहरू जी ने बिना किसी से पूछे बर्मा को ये क्षेत्र दान दे दिया। आप समझिए कि आपके गांव में जो सबसे उपजाऊ जमीन है उसको आप अपने चाचा या किसी को लिख देते हैं या दान दे देते हैं, तो परिवार का क्या होगा? आप समझिए, मैं थोड़ा अपने हथेली पे कुछ चीज समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि ये मणिपुर है, पूरा ये मणिपुर है, इसके सेंटर में मिटीज रहते हैं जो 41.39%, उसके चारों तरफ रहते हैं कुकीज, उसके आउटर पेरिफेर रहते हैं नागाज। तो ये समझिए आप, मिटीज, कुकीज, नागाज। अब समस्या क्या शुरू हो रही है कि जब नेहरू जी ने दे दिया ये जमीन बर्मा को, अभी जो माइना मार्ग है, उस समय क्या था कि जो मणिपुर के राजा का संधि था बर्मा के साथ, वो क्या था? बर्मा के लोगों ने कहा, प्रशासन ने कहा, शासक ने कहा कि देखिए, आपकी फर्टाइल जमीन है, मेरे लोग आके काम करते हैं, तो आप उनको भगाओ मत, हम हरजाना में एक गोल्ड मेहर दिया करेंगे पर इंडिविजुअल, एक गोल्ड मेहर हम दिया करेंगे। और राजा ने कहा ठीक है। तो वहां के बर्मा के लोग आते थे, खेती करते थे, और ये जो बर्मा सरकार पैसा देती थी वहां के महाराजा, नेहरू जी ने आके सब कुछ कहानी बदल दी, बिना पूछे बिना कंसल्ट किए बर्मा को दान दे दिया। तो समस्या वहां से शुरू हुई है। अब दूसरी समस्या ये शुरू हुई कि मेटिस जो हिंदू पॉपुलेशन है मेजोरिटी में, वो फील करता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो मैं अब प्रॉब्लम डेफिनेशन पे आता हूं कि प्रॉब्लम डेफिनेशन कहाँ से शुरू हुआ। जो इमीडिएट कॉज था जो विद्रोह का, जो अभी शुरू हुआ है, वो ये है कि मणिपुर के हाई कोर्ट ने कहा कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब, स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप शेड्यूल्ड ट्राइबल स्टेटस मितिज को भी दीजिए, जितना जैसे बाकी लोग को दिए हैं, क्योंकि मितिज ये फील कर रहे हैं कि हमारा राजा था, हम मेजोरिटी में हैं, हमको ट्राइबल स्टेटस नहीं है, जो प्रिविलेजेस और फायदा है वो बाकी ट्राइबल्स मार जाते हैं। और जो मैं अभी हथेली पे मैंने समझाया था कि यदि मिति जो सेंटर में है वो बाहर निकलना चाहते हैं ट्रेड के लिए, किसी से नहीं निकल सकते क्योंकि वो सराउंडेड हैं कुकीज के द्वारा,
उसके बाद नागाज के द्वारा, और कुकीज नागाज में काफी हद तक मिली भगत है। तो वो देखते हैं हम तो लैंडलॉक्ड हो गए, हम तो एक बंदी बन गए अपने भौगोलिक क्षेत्र में, हम कैसे धंधा करें, हम अपना विकास कैसे करें, हमको ट्राइबल स्टेटस भी नहीं है। तो उनका ये ग्रज है। तो इसी ग्रज पे जब हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला किया, समस्या वहां से शुरू हुई। तो बेसिकली जो तीन प्रॉब्लम है, कि पहला प्रॉब्लम कि मिटीज का ये डिमांड कि शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस हमको मिलना चाहिए संविधान के तहत, जो बाकी लोग को मिलता है, और हमको बराबर का हैसियत, बराबर का दर्जा दिया जाए बाकी ट्राइबल्स के परिपेक्ष में। दूसरी बात जो करेंट गवर्नमेंट है वो इंडिजिनियस लैंड राइट इशू को मैसअप कर गई है। देखिए लैंड इंबैलेंस कैसे आ रहा है, मिटीज जमीन हिली, आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो हिली रीजन में, जो मणिपुर का हिली रीजन है उसमें रहते हैं नागा कुकी, और वैली में रहते हैं मिटीज। तो इंबैलेंस कहां से आ रहा है, ये वहां जो स्ट्रक्चर है कि मिटीज हिल रीजन में जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन कुकीज और अदर ट्राइबल मिटीज के क्षेत्र में वैली में जमीन खरीद सकते हैं। ये वही जम्मू और कश्मीर वाला खेल, मुस्लिम्स कहीं भी रह सकते हैं कश्मीर के, कुछ भी कर सकते हैं, बाकी लोग नॉन कश्मीरी वहां कुछ नहीं कर सकते। तो इससे मिटीज लोग बहुत नाराज हुए। उसके बाद तीसरी समस्या, जो मिलिट्री कू हुआ था 2021 में महीना मार्ग में, उससे जो इन्फ्लक्स हुआ रिफ्यूजी का, वो भी समस्या के जड़ है। और ये रिफ्यूजीज का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कुकीज के साथ, जिसका द्वेष है मिटीज के साथ। कहा जा रहा है कि 35,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, 315 रिलीफ कैंप है, और रिलीफ कैंप पे ऑब्वियसली जो लोग घर से डिस्प्लेस हो गए हैं वो वहां रह रहे हैं। उसके बाद जो जब इस तरह की वारदात हुई तो कुकी ने क्या किया कि अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक जगह है चूरा चंदपुर, उसमें मिस्ट कम्युनिटी के मिटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो अपना मिटिस कम्युनिटी के, तो ये कुकी लोगों ने वहां के क्षेत्र में कई जगह आग लगा दिया। रिटेलिएशन मिटिस की तरफ से हुआ, वो भी कुकी के कई स्थानों पे उन्होंने आग लगाया। तो देखा कि मणिपुर को एक बाम की जरूरत है, एक मलहम की जरूरत है, हीलिंग टच की जरूरत है, इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत है। अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर विजिट किया, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मणिपुर विजिट किया। अमित शाह जी ने रेजिडेंट्स को बताया कि आप अपने अपने आर्म्स को सरेंडर कीजिए। फिर पीस कमेटी का गठन हुआ है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मणिपुर गए कि एड टू सिविल अथॉरिटी, हमारे आर्मी में एक क्लॉज ये है कि जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है तो एड टू सिविल अथॉरिटी के तहत आर्मी मदद कर सकती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल सरकार को। तो उसका मुआयना करने के लिए, चेक करने के लिए और ग्राउंड जीरो पे जाके एग्जैक्ट स्टेटस जानने के लिए चीफ साहब गए वहां। कहा जाता है कि 17,000 से ज्यादा ट्रुप्स डिप्लॉयड है। अमित शाह जी ने जुडिशियल प्रोब ऑर्डर कर दिया है एक हाईकोर्ट, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा, और कोशिश की जा रही है कि एडिशनल फेंसिंग म्यांमार के बॉर्डर पे किया जाए ताकि रिफ्यूजी प्रॉब्लम कम हो। और पीस एंड प्रेयर मीटिंग रिलीजियस लीडर्स के द्वारा किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का गठन हो, जो सत्य और किस तरह से रिकंसिलिएशन होता है उस पर प्रोसेस पे काम कर। जो महिलाएं हैं मणिपुर की, वो मदर पीस कमेटी का गठन उन्होंने किया है। सवाल यह है कि क्या क्या और संभव है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास ये आए हैं, इनको देश से बाहर उठा के फेंक देने की जरूरत है। और जो लोग बकवास करते हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, सबके लिए जगह है, तो अपने घर में घुसा लो ना इनको, अपने घर में घुसा के रखो, इतना प्यार है तो अपने बेडरूम में सुलाओ, इतना प्यार है तो।
हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ जो आए उसको रख लो। जो रोटी हम अपने बच्चों के लिए रखे हैं, जो यहाँ के वासी हैं, हम उनको देंगे कि बाहर से विदेश के? डेली डेली बारात पार्टी होगा क्या? डेली सबके लिए हम खाना देंगे क्या? सवाल ये पैदा होता है। तो सबसे पहले तो इनको बाहर निकाल के फेंकने की जरूरत है। डिप्लोमेटिक लेवल पे इनिशिएटिव होना चाहिए और राष्ट्र लेवल पे होना चाहिए। और जितना जल्दी रोहिंग्या बांग्लादेश को हम फेंकें उतना हमारे राष्ट्रहित में है। इसके लिए बहुत सख्त होने की जरूरत है सरकार के पास। उसके बाद मैं आता हूं कि ये जो एक काउंसिल होता है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि क्या इस तरह का काउंसिल इस तरह की समस्याओं की जूझने की शक्ति रखता है, क्या उसको रिकंस्टिट्यूट करने की जरूरत है? क्योंकि चेयरमैन एनआईसी होते हैं प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी एनआईसी के लिए चेयरमैन होते हैं, तो स्वाभाविक है कि सीधे प्रधानमंत्री जी का इंटरफेरेंस होगा, सीधे डायरेक्ट। तो प्रधानमंत्री जी इतने सशक्त हैं, बुद्धिमान हैं, अनुभव से पूरे परिपूर्ण हैं, तो जब डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस उनका होगा, इंटरफेरेंस नहीं कहूंगा इंटरफेस, इंटरफेस जब डायरेक्ट होगा तो स्वाभाविक है कि इस पीस इनिशिएटिव में गति आएगी और बहुत कंक्रीट रिजल्ट्स बहुत जल्दी काम होगा। अब हम आते हैं चाइना फैक्टर पे। देखो मेरा विश्वास है कि टोटल जो जैसे मैंने कहा टोटल 39 एथनिक कम्युनिटी हैं मणिपुर और टोटल आर्म्ड ग्रुप्स हैं 63। और जितने एथनिक कम्युनिटी हैं, जितने आर्म्ड ग्रुप्स हैं 63, 95% से ज्यादा इन्होंने चाइना में ट्रेनिंग लिया है। होता क्या है, जाके किसी बैनर के नीचे जाके चाइना में ट्रेनिंग लगते हैं लेते हैं और उसके बाद जब विवाद हो जाता है, लीडरशिप इश्यू होता है, तो वो अपना सेपरेट ग्रुप खोल देते हैं। यही कारण है कि गुरु एक है लेकिन मठ कई है। गुरु चाइना है, मठ 63 है। और इनकी इनको हथियार कहाँ से आता है, वो समस्या का जड़ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हथियार पे भी बैन लगाने की जरूरत है, या आप हथियार नहीं रख सकते। और ये हथियार मैं श्योर हूं कि चाइना से आता होगा, म्यांमार के माध्यम से आता होगा, उस पे लगाने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्यों मणिपुर में लगाया गया 1959? इसी सब कारणों के लिए लगाया गया, इन्हीं सब कारणों से। आर्मी यदि ये डरेगी कि इंसिडेंट होने के बाद, रोकथाम करने के बाद यदि किसी ऑफिसर के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, तो वो क्यों अपना इनिशिएटिव ले? वो अपनी गर्दन क्यों तलवार के नीचे दे, कानून के नीचे दे, जब तक उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली? मिलिट्री ड्यूटी का तो बिना रहेगा। और जिस दिन सेना डर के ड्यूटी करेगी, वो सेना फिर काम नहीं कर सकती। इसीलिए प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की जरूरत है कि सेना बिना भय निडरता के साथ काम करे। तो बहुत जरूरी है। जो लोग बकवास करते हैं एचआर इश्यू, ह्यूमन राइट्स इश्यू, ये वो ड्रामाबाजी करते हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जी। वही तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, राष्ट्र सर्वोपरि है या ये सब बिंदु सर्वोपरि है? जब भारत माता ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो ये बिंदु पे अपना ढोल बजाते रहिए। तो ये देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स परिस्थिति है मणिपुर में। और एक बार और बात कहता हूं जी, बस एक बात और कहता हूं मैं, नेहरू ने एक और गलती की अपने जमाने में। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में हिंदू साधु नहीं जा सकते, वही कन्वर्शन का खेल में गति आया। क्यों नहीं जा सकते भाई हिंदू साधु, वहां क्यों नहीं जा सकते? तो रोकथाम लगने पे कुछ विशेष ग्रुप को बहुत फायदा मिला और मनमानी तरीके से उन्होंने पैसा फेंका, बाहर के मिशनरी से पैसा आया, पैसा फेंका, कन्वर्शन हुआ। मतलब मैं तो देखता हूं, इतिहास पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कैसा कैसा फैसला लिया गया है भूतकाल। सर नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मणिपुर के बारे में जैसे आपने बताया कि वो एक लाइक एक स्टेडियम की तरह है, जहाँ पे जो बेस ऑफ द स्टेडियम वो वैली है
और वहां पर मैतीज रहते हैं और बाकी के उसमें कुकीज और नागास रहते हैं। यहाँ पे मैं दो तीन चीजें बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में बताऊंगी। नागास इज ऑल हैव ऑलवेज, मतलब उनका थोड़ा सा एग्रेसिव टोन है, मैं वायलेंट तो नहीं बोलूंगी बट एक एग्रेसिव टोन के नीचे वो लोग चलते हैं, क्योंकि मेरे 1/3 ऑफ माई क्लास यूज टू बी मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। सो वी हैड अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न, पता चलता था वो बताते थे इस तरीके से ऐसे हो रहे। तो एक वो ग्राउंड होता है ना, कमिंग समबडी कमिंग फ्रॉम ग्राउंड इज गिविंग योर फीडबैक। दूसरा मैतीज वैष्णवाइट्स हैं, दे आर हिंदूज। सबसे बड़ा कन्वर्जन रैकेट आज की डेट में दो कम्युनिटीज में चल रहा है और दोनों ने हाथ जोड़ लिया, दोनों ने हाथ मिला लिया, हैंड शेकिंग कर लिए, दैट इज नागाज एंड कुकीज। कुकीज आर मेरे ख्याल से मुश्किल से 40% बचे होंगे या 50% बचे होंगे, रेस्ट ऑल कुकीज आर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। सो बेसिकली द रोल ऑफ चर्चेस इन नॉर्थ ईस्ट इज बिकम वेरी ट्रबलसम, वेरी ट्रबलसम। प्लस कुकीज वो हैं जो हाईली ट्रेन्ड पीपल हैं, ये मिलिशिया फॉर्म करते हैं, इनके रिश्तेदार बर्मा के मतलब म्यांमार के उधर भी रहते हैं, म्यांमार के इधर भी मतलब सॉरी इंडिया के उस पार भी रहते हैं, बॉर्डर ऑफ के उस पार भी रहते हैं और बॉर्डर के इस पार भी रहते हैं। तो क्या होता है, कभी ये वहां जाते हैं ट्रेनिंग लेते हैं, बोलते हैं हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं, पर ये जाते उधर हैं ट्रेनिंग लेते हैं आर्म्स की वेपन्स की और फिर वापस आ जाते हैं। और अर्कन्स जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हाईली ट्रेन्ड सोफेस्टिकेटेड, नथिंग लेस देन नेशनल अपना कमांडोज, नथिंग लेस देन कमांडोज, दे आर वेरी वायलेंट बाय नेचर एंड दे आर ट्रेन्ड बाय PLA। तो चाइना का रोल स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आता है इस पूरे फियास्को में। एंड सबसे फनी बात यह है सर, अगर आपने नोटिस किया, एक कोइंसिडेंस हुआ है बहुत बड़ा, मैं कोइंसिडेंसेस पता नहीं मुझे थोड़े डाइजेस्ट नहीं होते अनलेस अंटिल नेचुरली हो जाए। अचानक से राहुल मणिपुर में वायलेंस बढ़ता है, राहुल गांधी और चाइना के बीच में फोन कॉल्स बढ़ जाते हैं, राहुल गांधी और यूएस के बीच में फोन कॉल्स बढ़ जाते हैं, ये कुछ कोइंसिडेंस है कि मतलब उधर वायलेंस बढ़ता है 8-10 लोग की डेथ हो जाती है या फायरिंग ज्यादा हो जाती है तो इधर चाइना और राहुल गांधी के बीच में बातचीत बढ़ जाती है, ये कोई कोइंसिडेंस है और डज इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स अ बिगर कॉन्स्पिरेसी? नहीं, बिगर कॉन्स्पिरेसी कोइंसिडेंस नहीं है, बिगर कॉन्स्पिरेसी है। राहुल गांधी एक देशद्रोही है, वो ट्रेटर है, सत्ता के लिए वो किसी स्तर तक गिर सकता है, वो मोदी जी के छवि को खराब करना चाहता है। 2008 में चाइना के साथ MOU साइन किया था ना उसने, क्या है उसका टेक्स्ट, क्यों नहीं सरकार के पास वो कॉपी है, उसमें क्या फैसला लिया गया, क्या अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में CPC में, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या समझौता हुआ है, किस तरह से एक दूसरे का हित करने का समझौता हुआ है, किस तरह से राहुल गांधी जाके बाहर बकवास करता है हिंदुस्तान के खिलाफ। तुमको अपनी दादी से सीखो ना, दादी से सीखो, इंदिरा जी से, जो लंदन में कही थी कि देश का कोई जर्नलिस्ट पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, देश का आंतरिक जो आंतरिक मामला है वो देश में बात करूंगी मैं, वहां हम लोग सलटाएंगे, यहां मैं देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, देश के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। आडवाणी जी ने वही किया था, वाजपेयी जी ने वही किया था कि हम राष्ट्र को सशक्त दिखाएंगे, हिंदुस्तान को सक्षम दिखाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव तो सबकी चीज में होती है, हर एक इशू में, किसी फैसले में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है डायमेंशन। लेकिन जब आप विदेश जाते हो तो आप देश की छवि को भजाएंगे, उसमें इजाफा करेंगे, उसको सशक्त करेंगे या उसको कमजोर दिखाएंगे। और यदि अपने घर के, हम लोग के गांव में कहा जाता था कि अपने घर की समस्याओं को बाहर कहोगे तो, एक बिहार में कहावत है, गांव में हम लोग को कहा जाता था कि मन घर की व्यथा जो है घर में रखिए, नहीं तो सुन ठलाई है लोग सब बांटने लगी है कोय, सुन ठलाई है सब लोग बांटने लगी है कोय, सुने के इठलाएंगे सब बांटेंगे कोई नहीं। तो तुम विदेश में जाके जो राहुल गांधी ये बकवास करते हो, क्या मकसद है तुम्हारा, उनको पता है किस लिए तुम बकवास करते हो, तो बांटेगा तो कोई नहीं। हाँ, हो सकता है तुमको तुम्हारा इलेक्शन फंडिंग हो जाए, हो सकता है जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं वो तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेशन करें, मीटिंग करें, सीक्रेट मीटिंग हो, पर्दे के पीछे मीटिंग हो, कैसे मोदी जी को खराब करना है, कैसे आतंक फैलाना है, कैसे टेरर क्रिएट करना है, कैसे ट्रेन डिरेल करना है, ये सब तुम कर सकते हो पर्दे के पीछे। सडनली अमेरिका में दिखते हो, सडनली गायब हो जाते हो, फिर कहीं और दिखते हो, फिर गायब हो जाते हो। जैसे नदी में हम लोग तैरते थे, डुबकी मारा, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे निकल गए, फिर पॉइंट सी पे निकल गए, तो ए और बी के बीच में दूरी में गायब, पानी के नीचे छुप गए।
तो ये तो षड्यंत्र है इस आदमी का द्वारा, और सरकार को बहुत टफ फैसला लेना चाहिए। तो इतना इस पे इससे इतना इस पर ये नेशनल हेराल्ड केस है, कितना केस है, कितना पासपोर्ट है इसके पास, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। ये शादीशुदा है, ये इसको एफिडेविट देना चाहिए पार्लियामेंट में, शादीशुदा है कि नहीं, कितने बच्चे हैं। उनकी जो चॉइस है वो हमेशा नॉन इंडियन होती है, मतलब फॉरेनर लड़के ही नहीं पसंद आती हैं। पसंद अगर आती है तो फिर वो उस बेचारी का सुकन्या जैसा हाल होता है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूंगी। इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं 72 नहीं, साल का उनके हो गया बहुत इस सारे, पर मैंने अभी रिसेंटली एक मैं इंटरव्यू किया था, तो ही इज ऑलवेज सीन विद फॉरेनर, चाहे वो नेपाल जाते हैं तो नेपाली गर्ल के साथ, देन इनकी कोई कोलंबियन इस पर गर्लफ्रेंड थी उनके साथ, फिर कहा जाता है जो मैडम इनकी वाइफ है और बच्चे हैं जो लंदन में सेटल्ड है उनके साथ भी कई बार फोटोग्राफ्स बाहर आई हैं। बच्चों के साथ तो खैर नहीं आई है, बट हाँ कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर मैडम इनकी वाइफ है, जब ये लंदन जाते हैं वो फोटोग्राफ्स आती हैं। आई मीन दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, आप कुछ भी करो, द थिंग इज दैट योर कमिटमेंट, योर लॉयल्टी शुड ड्राइव विद योर कंट्री जहां आप पैदा हुए हो। पर चाणक्य ने कहा था ना तुम्हारे सर, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, एशियंट विजडम इस बहुत। प्रश्न तुम्हारे गायत्री इस प्रश्न में नहीं फंसूंगा, मैं 72 साल का हो गया हूं, इस विषय पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ये राहुल ये मैं तुम्हारे प्रश्न में नहीं फंसूंगा। तो लेकिन हाँ, ये सच है कि सरकार को रिटर्न शो कॉज नोटिस देना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए कि राहुल गांधी शादीशुदा तुम हो या नहीं हो, कितने पासपोर्ट हैं तुम्हारे पास, बच्चे हैं कि नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा अचानक 15 साल के बाद सडनली राहुल गांधी का, हाँ ये मेरा उत्तराधिकारी है, तो उस समय जो ये एफिडेविट देगा वो उसके रास्ते में बाधा आएगी। और मेरा सरकार से निवेदन है, एक कानून बना दिया जाए, नहीं फॉरेन सर, बॉर्न लेकिन लेडीज का पुत्र। ने एक एक स्टेटमेंट दिया था एंड आई थिंक वी शुड फॉलो इट इन आवर कंट्री लाइक एनीथिंग। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, एशियंट विजडम बहुत कम गलत होती है, ऐसा नहीं कि नथिंग इज परफेक्ट बट बहुत कम गलत होती है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस के बाद आती है, मेच्योरिटी के बाद आती है। विदेशी महिला से जन्मा पुत्र कभी आपका अपना नहीं हो सकता है। ये और चाणक्य ने कहा सोनिया था, जी, चाणक्य ने ही कहा था सर। ये चाणक्य ने कहा था गायत्री, चाणक्य ने कहा था गायत्री कि विदेशी महिला से पुत्र पुत्र जन्मा हुआ पुत्र वो देशी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सोनिया गांधी के चैम्बर में, जो स्टडी चैम्बर, उसमें किताब है हाउ टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ क्रिश्चियन स्टेट, किसी मेरे को जर्नलिस्ट ने बताया ये बात। सर ये पर ये यदि फॉलो सच भी तो है तो वही करिए, सुनो आप एक पैरेललिज्म देखिए ना, जब से सोनिया गांधी बैक ऑफ द सीन आई है, एकदम, जब से बैक ऑफ द सीन आई है, मनमोहन सिंह को आगे रखा हुआ था पपेट की तरह, पर देखिए 10 से 15 साल में, नहीं हाँ 15 17 साल में कितना बढ़ गया क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल। पंजाब में इनकी सरकार थी, पूरा क्रिश्चियन मिशनरीज का कन्वर्जन पूरा, इस वक्त आज के देखिए लाइन के लाइन लग के लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, साउथ में देख लीजिए, साउथ में जहां जहां ये है इन्होंने डीएम के साथ टाई अप करके, आई डोंट नो व्हाट अंडरस्टैंडिंग वेदर दे हैव इट नॉट, बट इट लुक्स लाइक क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल। अभी जब राहुल गांधी ने पद यात्रा शुरू की थी, तो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल जो पैस्टर था, जो कन्वर्जन्स के लिए, लड़कियों के साथ शायद गलत व्यवहार के लिए, और जितने भी ये अपने पावर प्लांट्स आते हैं, चाहे एटॉमिक पावर प्लांट्स आए या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आए या जो भी आए, उसको रोकने के लिए वो पास्टर हमेशा आगे रहता था। उसके साथ ये बैठ के चाय पी रहे थे सड़क पर कहीं, वो फोटो काफी वायरल हुई थी। तो इज इट इट कैनॉट बी अ कोइंसिडेंट, इट सिंपली कैनॉट बी अ कोइंसिडेंट कि आप देखो उन्हीं क्रिश्चियन लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, कन्वर्जन के लिए जाने जाते हैं। और पिछले 15 साल से 17 साल से इस गवर्नमेंट, चाहे शायद ये गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हेल्पलेस है, मतलब इन्होंने 70 साल में अपनी जड़ें इतनी स्ट्रांग कर ली कि उसको उखाड़ने में टाइम लगेगा, बट 70 साल से देखिए, ये पिछले जब से सोनिया गांधी थी 2004 से 14, क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल आपने देखा कितना बढ़ गया है। नॉर्थ ईस्ट जा चुका है लिटरली सर, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू माइनॉरिटी है आज में। गायत्री गायत्री चन्नी को क्यों पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटा के, क्योंकि वो क्रिश्चियन था। जो छत्तीसगढ़ में जो था ब्यूरोक्रेट वो क्रिश्चियन था। सोनिया गांधी को क्रिश्चियन सीएम ही चाहिए, कोई तो दूसरा हाँ, धर्म का अजीत नहीं सिंह चाहिए को तो याद सीएम। है सर, उनके मरने के बाद जब उनको दफा वो उनको इनके उसमें लेके गए ग्रेवयार्ड में, तब पता चला कि अच्छा ये नाम इन्होंने वही रखा हुआ था, बट पूरी जिंदगी ये क्रिश्चियन थे, ये वाज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन। ये लोग नाम छुपा कर आज और फिर क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं और पंजाब ट्राइबल में बेल्ट। मैसिव
पंजाब में मैसिव स्केल पे क्रिश्चियन कन्वर्शन हो रहा है, मैसिव स्केल पे। अतः पंजाब में बहुत बुरी हालत है, अस्तित्व खतरे में है, सिखिज्म खतरे में है, ये लोग को समझ में नहीं आती। और कुछ लोग यहाँ आके खालिस्तान खालिस्तान करते, अरे तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, तुम्हारी जड़ काटी जा रही है, तुमको एहसास भी नहीं, पता भी नहीं तुमको। तो ये और सर जो एक चीज आपने नोटिस की है, इनकी सारी मूवमेंट क्रिश्चियन मिशनरीज की सारी मूवमेंट ट्राइबल बेल्ट में हो रही है। वो आप चाहे नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल बेल्ट ले लीजिए, कुकीज और नागास, मैतीज आर नॉट ट्राइबल्स, ठीक है, आप उधर ले लीजिए, फिर आप राजस्थान ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, सारा जितना ये मैं जल्दी जैसे मैं मैप मतलब दिस इज अ वर्ल्ड मैप, अगर आप यहाँ से देखें नॉर्थ ईस्ट यहाँ से समवेयर एंड देन यू गो स्ट्रेट लाइक दिस, पूरा जितना भी ट्राइबल बेल्ट है सब ये लगे हुए हैं पूरा निपटाने में इनकी क्रिश्चियन मिशनरी। गायत्री इनका टेक्निक बहुत सिंपल है, ये गरीबी होने का फायदा उठाते हैं, ट्राइबल एरिया में कनेक्टिविटी विकास लोग होने नहीं देते हैं, जो नक्सल्स होते हैं होने नहीं देते हैं, तो गरीबी रहती है। ये जाके हेवी फंडिंग आता है विदेश से एनजीओ के माध्यम से, मोदी जी ने कितना एनजीओ को बंद किया है, पहले ये सब एनजीओ के माध्यम से पैसा पैसा फेंक तमाशा देख। एक कहावत है बिहार में, नाच बंदरिया नाच, पैसा दे वो पांच, पैसा पांच देंगे नाचो, तो लोग नाचने के लिए तैयार रहते हैं, पांच पैसा फेंका बंदरिया नाचना शुरू कर दी। आपने एक चीज और नोटिस की है, ये 70 साल इन ट्राइबल्स को गरीब किसने रखा? कांग्रेस ने। अब उसी कांग्रेस का इस्तेमाल करके सोनिया गांधी और ये पूरा ये वैटिकन और पूरा चर्च, इसी कांग्रेस का इस्तेमाल करके पूरा कन्वर्जन करा रहा है, पहले गरीब रखा अब देखो कन्वर्ट करा रहा। हिंदुस्तान के बेसिक स्ट्रक्चर को, डीएनए को, संस्कृति को, ये सब खत्म करने की षड्यंत्र 1947 से चल रही है। मैं बताता हूं खतरा बहुत गंभीर है गायत्री, बहुत गंभीर है। मैं कुछ बोलूंगा तो हिंदुस्तान में तहलका मच जाएगा, तहलका मच जाएगा। क्रिश्चियन कन्वर्शन पे यदि कुछ मैं बोलूंगा अभी तो तहलका मच जाएगा, लेकिन मैं अपने वाणी वाणी पे अंकुश लगाऊंगा, नहीं बोलूंगा। राष्ट्रहित का मामला है, ऐसा चीज जो बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे नहीं बोलूंगा, उस पर चुप रहूंगा। सरकार को भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन बहुत से जल्द ये एंटी कन्वर्शन कानून भी लाने की जरूरत है। जब जब आपका अस्तित्व ही नहीं सेम रहेगा तो फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा, खाली पैसा कमाना ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा अस्तित्व रहना चाहिए जो हमारे पुरखों का था, जो आस्था थी, संस्कृति था, समाज था, स्ट्रक्चर था, रेस्पेक्ट था, धर्म था, गुरुकुल सिस्टम था, सब ऐसे होना चाहिए। तो ये बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हैं। हाँ गायत्री जी, सर आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे ऑन अ कंक्लूडिंग नोट? जी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले ना, थैंक यू, बस बढ़िया। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी जाने से पहले, व्हेनेवर राहुल गांधी गोज आउटसाइड, आप कुछ एक कॉमन एलिमेंट्स हमेशा देखेंगे जो मैं कई बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ, चाइना के इंटेलिजेंस वहां आपको आसपास लोग दिख जाते हैं, इंडिया के अवोक दिख जाते हैं, ISI के लोग दिख जाते हैं, CIA के लोग भी दिख जाते हैं, MI6 भी दिख जाते हैं। आई मीन वट आर यू ट्राइंग टू डू राहुल गांधी? एंड मणिपुर वायलेंस में आपका लगातार वैटिकन को कॉल जाना, लगातार क्योंकि चर्चेस काफी इन्वॉल्व है सर ये नॉर्थ ईस्ट में जो भी हो रहा है, और लगातार चाइना को फोन जाना, व्हाट डज इट से? गेम इज क्रिस्टल एंड क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, ये कराया जा रहा है, ये हो नहीं रहा है, कोई वेपन सप्लाई कर रहा है था नहीं उनके पास में, कोई लोगों को बरगला रहा है, वो लोग शांति से रह रहे थे। हाँ प्रॉब्लम्स थी, हमेशा से थी, बट एक होता है प्रॉब्लम होना, मन मोटा होना, और एक होता है हाथ डिशुम डिशुम होना, ये डिशुम डिशुम की सिचुएशन पे कौन लेता रहा है? थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी अल्टरनेट मीडिया। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।